यमुनानगर के गांव बहादुरपुर में एक बुजुर्ग की जलती चिता पर तंत्र क्रिया करने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चिता के ऊपर एक पक्षी की बलि दी गई। इस मामले की शिकायत पुलिस को भी दी गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस द्वारा सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु के बाद गांव के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन सुबह जब वो शमशान घाट में गए तो चिता के ऊपर अधजला पक्षी पड़ा था, साथ ही चिता पर अन्य सामान भी पड़ा था। वहीं शमशान घाट के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में गांव का एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ कुछ और अन्य लोगों के साथ वहां पर जाते नजर आया। उनका आरोप है कि उन्होंने ही ये तंत्र विद्या की है। हमारे फादर की डेथ हुई थी 1 तारीख को जी, तो हम जैसे वहाँ सुबह गए, मान लो 2:30 बजे संस्कार हो गए बुजुर्ग का, तो सुबह गए वहाँ किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने मान लो कोई तांत्रिक क्रिया करी, एक पक्षी फूक के गया और वहाँ आटा उट्टा घेर के मान लो बहुत अपनी उस पर रखा। जैसे हम सुबह जाकर देखे तो हमें वहाँ पता लगे जी, हमने फिर वो के 5-7 आदमी पंचायत मेम्बर वगैरह वगैरह ब्लैक लंबरदार उनको दिखाया गया जी, पहले कैंड बोले जी इसकी कंप्लेंट करो, फिर हमने 112 पर कॉल कर दिया जी, फिर जब थाना थाने में FIR करे दी जी इसकी, किसी के बिना मान लग गया तो व्यक्ति के, उसके बाद जी फिर हमने छानबीन करी, कैमरे की फुटेज करवाई, 10-15 दिन लग गए जी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी इस मामले में। फिर मैं कोई ऐसा 15 दिन के बाद मान लो मैं वहाँ थाने में दिया था जी नाम, मोबाइल नंबर दिया था और उसका वो दिया था जी नाम लिखा जी, तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। कैमरे में हमारे गाँव का है जी एक लड़का जी, 3 लड़के बाहर के हैं जी, दोनों बापू बेटा गाँव के हैं जी, उन्होंने जिन्होंने ये काम करे, और SI संतोष के पास इनका केस था, उन्होंने जी हमने पंचायत में बुलाया, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, गुनाह कबूल करने के बाद फिर हमने थाने को वापस दे दिया जी, उनको थाने में दे दिया, तो SI संतोष कुमार ने उसको मतलब जो धारा लगी थी वो नहीं लगाई, 151 के उसमें लगाया का तारा और उसको कल जमानत करवा दी। हाँ मतलब इंसाफ चाहिए जी, सारा गोराम है जी, सारा हमारे साथ जी, मान लो सारा गोराम एक तरफ और वो कल्ला जाना एक तरफ, क्रिया करी गई जी वहाँ, सारे गोराम ना देखी जी किसी से पूछ लो, CCTV कैमरे की वीडियो है जी, सारा कुछ है, डेथ जो ही नहीं ना करी जी वहाँ तांत्रिक क्रिया कर का। हाँ जी पहले भी वहाँ रदौर थाने में पकड़े गया था 2017-18 में जी, रमेश सांप बेचते हैं जी वहाँ, सांपों के उसमें तांत्रिक विद्या करते हुए पहले भी पकड़े गया था जी, वहाँ से भी छटवा कर लिया, सारा गोराम परेशान है जी, इतना परेशान है जी, किसी की लड़की को उल्टियाँ लग रही जी, उसके बाद ठीक 11 दिन फेर डेथ और फेर हुई जी, अचानक ही ठीक ठाक। वही मृतक के बेटे का कहना है कि दोनों के खिलाफ थाना जसराना में शिकायत दी गई तो पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया, लेकिन उसके बाद उनको जमानत मिल गई, जिससे अब परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है। इसी को लेकर ग्रामीण आज यमुनानगर के जिला सचिवालय में SP से मिलने पहुंचे और उनका कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच करवाई जाए। पंजाब केसरी TV के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।